हमारे पास जो टीवी आया है आज वो सोनी का 4K टीवी है। ओके, 4K टीवी है और इसका मॉडल नंबर पहले दिखा दो, फिर हम फॉल्ट दिखाते हैं। इसका मॉडल नंबर है KD-43X7002G। ठीक है, ये सोनी का 4K टीवी है। इसमें फॉल्ट क्या है, पहले हम एडेप्टर लगा लेते हैं यहाँ पर और पावर ऑन यहाँ पर हम कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इंडिकेटर लाइट दिखा दो आप, नो इंडिकेटर है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर पावर की है, इसे हम दबा के देख लेते हैं पहले। यहाँ पर आप ले आओ, ये पावर की यहाँ पर है बैक कवर में। ठीक है, अप डाउन वॉल्यूम की और बीच में पावर की है, इसे हम दबा के चेक कर लेते हैं क्या इसके बाद टीवी ऑन होता है। लेकिन कोई यहाँ पर इंडिकेशन नहीं है और ना ही रिमोट से ये ऑन हो रहा है। ओके, यहाँ सबसे पहला वोल्टेज हमें चेक करना है, 19 वोल्ट जो एडाप्टर से आ रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 वोल्ट। ओके, हम चेक करते हैं क्या इसमें बाकी के कोई वोल्टेज बन रहे हैं। यहाँ पर ये कॉइल है आउटपुट देने के लिए और एक कॉइल यहाँ पर लगी हुई है बैकलाइट के लिए, ये दो कॉइल्स बैकलाइट के लिए, और ये एक रेगुलेटर है। हम चेक कर लेते हैं इस बोर्ड पे, ये 12 वोल्ट आउट देने वाला रेगुलेटर, तो यहाँ आप देख सकते हैं 12 वोल्ट नहीं बन रहे। ओके, 0 मिली वोल्ट है। ऑन ऑफ तो हो नहीं रहा है बिकॉज रिमोट से ये काम नहीं कर रहा है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी फंक्शन नहीं है, ना बैकलाइट जल रही है। हम देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ 12 वोल्ट आने चाहिए, यहाँ आप देख सकते हैं मिली वोल्ट बता रहा है। ठीक है, अब हम सभी सप्लाई चेक करेंगे। यहाँ पर 3.4 वोल्ट और यहाँ पर 3.4 वोल्ट। ठीक है, ये दो सप्लाई को छोड़कर यहाँ पर आने चाहिए 1 वोल्ट। ठीक है, नहीं आ रहे, 1.5 वोल्ट नहीं आ रहे। ओके, 1.8 वोल्ट यहाँ पर आने चाहिए। ठीक है, नहीं आ रहे हैं। ठीक है, सो ये सप्लाई भी 1.8 नहीं बन रहे, 5 वोल्ट बन रहे हैं जो USB में पेन ड्राइव से अपडेट के लिए होती है। ओके, सो यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन है, यहाँ पर 1.5 रैम में जाते हैं वो नहीं, 1 वोल्ट नहीं बन रहे, और 1.8 जो EMMC में जाते हैं वो भी नहीं बन रहे। अब मैं आपको समझा देता हूँ फॉल्ट कहाँ कहाँ पर हो सकता है। ये है मॉडल नंबर KD-43X7002G, नो इंडिकेटर में है, मतलब आगे की जो वाइट लाइट होती है वो नहीं दिख रही है। इस केस में सबसे पहले आपको ये दो वोल्टेज चेक करने हैं, यहाँ पर 3.3 वोल्ट, ठीक है, जो EMMC के लिए है, और 3.3 वोल्ट जो प्रोसेसर में जाने वाली स्टैंड बाई सप्लाई है। ठीक है, ये स्टैंड बाई है, ये दोनों सप्लाई बन रही थी हमने चेक की। इसके अलावा जितनी भी सप्लाई है ये बन रही है 5 वोल्ट USB में जाने वाली। ओके, और जो नहीं बन रही है इसमें वो है 1.5 वोल्ट जो रैम के लिए है, 1 वोल्ट कोर सप्लाई जो MediaTek की जो प्रोसेसर लगी हुई है उसमें जाती है वो नहीं बन रही है, 1.8 वोल्ट जो इसमें रैम के लिए दी जाती है वो भी नहीं बन रही है। ठीक है, ये तो हो गई सप्लाई लाइन फॉर MediaTek की प्रोसेसर के लिए। अब हम देख लेते हैं कि इसमें, देखो ये सप्लाई तो आ रही है 3.3 हमने देख लिया, जो MOSFET में सोर्स पे जा रही है। ठीक है, ये गेट और ये ड्रेन है, सोर्स पे तो पहुंच रही है 3.3, लेकिन ड्रेन से होकर यहाँ जो मिलनी चाहिए वो सप्लाई यहाँ पर नहीं मिल रही है, तो ये भी बंद है और ये बंद है। ओके, जब भी इस टाइप का केस आता है आपको जहां पर ये सभी सप्लाई पहले से बन रही हो, ये सभी सप्लाई जितनी में क्रॉस मार्क लगा रखी है वो सब पहले से बन रही हो, तो दोनों के बीच में हो सकता है, या तो ये खराब हो सकती है या EMMC। ठीक है, तो आपको पहले प्रोग्राम करना होता है। ठीक है, लेकिन हमारे केस में क्या है, ये सब सप्लाई बंद है तो हमें क्लियर पता चल जाता है इसमें EMMC IC का फॉल्ट है और प्रोसेसर ओके है। ओके, सो अभी हमें क्या करना है इसमें, इस बोर्ड में EMMC IC को निकालना है। इस IC को हम निकाल देंगे, पहले चेक करेंगे कि इसमें दिक्कत क्या है और उसके बाद हम जरूरत पड़ी तो प्रोग्राम करेंगे। ओके,
सो अभी हमारा जो फॉल्ट है वो यहाँ एग्जिस्ट करता है इस जगह पर, ठीक है, ये हमारा लोकेशन हो गया फॉल्ट लोकेशन, ओके। सो अगर जो आपको ट्रेनिंग लेनी है इस टाइप की एडवांस लेवल चिप लेवल ट्रेनिंग, ठीक है, जहां पर हम बोर्ड रिपेयर कर सकते हैं वैसी वाली ट्रेनिंग देने वाले हैं, बोर्ड रिप्लेस करने वाली नहीं, ठीक है, तो वहां पर ट्रेनिंग लेने के लिए अहमदाबाद आना पड़ेगा आपको। अहमदाबाद की जो ट्रेनिंग है वो अभी 14 नवंबर को है, आप ये अटेंड कर सकते हैं, ये 7 दिन की है, पास में से दिखा दो। और ये अगर जो मिस कर देते हैं, ये 14 नवंबर जो 7 दिन की ट्रेनिंग है वो मिस कर देते हैं, तो आपको 16 जनवरी को नेक्स्ट बैच मेरी अहमदाबाद में मिल जाएगी, ये 16 से लेकर 22 जनवरी तक, ठीक है, अहमदाबाद में। कोलकाता में जो रहते हैं उनके लिए ट्रेनिंग है 12 दिसंबर को, उसकी भी रजिस्ट्रेशन ऑन है, अभी भी आप बुकिंग कर सकते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है। और दोस्तों देर मत कीजिए, इतना एक्सपर्ट आपके एरिया में अगर जो आ रहा है, कोलकाता में आ रहा है, तो आपको तो आना ही चाहिए, इतना सुपर, मतलब इतना बड़ा ट्रेनर, नंबर वन जो बोलते हैं, वर्ल्ड का नंबर वन बोल सकता हूं मैं, पूरे वर्ल्ड में इस लेवल का नॉलेज किसी के पास नहीं होगा, अगर जो वो आपके एरिया में आके ट्रेनिंग देना चाह रहा है तो आप क्यों नहीं आना चाहते, किससे डर रहे हो, उन टेक्नीशियनों से जो आपको भड़का रहे, आपको वीडियो में सच्चाई नजर नहीं आती, आ जाइए ट्रेनिंग लेने। और अहमदाबाद में मेरी ट्रेनिंग 14 नवंबर को है और 16 जनवरी को ये दूसरी बैच, और कोलकाता में ये है कोलकाता वालों के लिए सुनहरा मौका, मत खोइए, जल्दी से सीट बुक कीजिए। यहाँ पर फोन करने के लिए मेरा नंबर है, ये मेरा नंबर है, मुझे कॉल कर सकते हैं, पास में से बता दो, ठीक है। और अब हम बोर्ड रिपेयर करके आपको बताएंगे, इसमें EMMC IC हमको अब निकालनी है, ओके फ्रेंड्स, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए IC निकालने का जो पोर्शन है वो मैंने स्किप कर दिया है। यहाँ पर हमें गड़बड़ी मिल गई, एक्चुअली यहाँ पर जो पार्टीशन सेव किया हुआ है वो 0x00 है, जबकि होना चाहिए था 0x48। EMMC डेटा बता रहा है कि ये बूट एनेबल्ड डिवाइस नहीं है, इसका मतलब बूटिंग इसमें से नहीं होगी, यूज़र एरिया से होगी। इसका जो ओरिजिनल डेटा हमारे पास पड़ा है ये बता रहा है 0x48, इसका मतलब बूट एक्नोलेज इज सेंट ड्यूरिंग द बूट ऑपरेशन और बूट पार्टीशन 1 इज एनेबल्ड फॉर बूट, इसकी ओरिजिनल फाइल थी, ठीक है। अब इस फाइल को हम सेव कर देते हैं इसमें, ठीक है। अब CSD फाइल देखो, जैसे मैं ये डालता हूँ क्या बता रहा है, अभी ये 0x48 आ गया ना, बूट पार्टीशन 1 इज एनेबल्ड फॉर बूट बता रहा है अभी, बूट 1, ओके, बूट 2 और यूजर एरिया, इस सब की सब फाइल हम राइट कर देते हैं। पहले क्या करेंगे, इरेज खाली कर देते हैं पूरा, ठीक है, यस, पूरा का पूरा खाली कर रहा है, मतलब EMMC IC को सब पार्टीशन से खाली कर दिया। अब ये फाइल्स को हम राइट कर देते हैं, ठीक है, राइट, और देखो ये डिले फॉर डिवाइस पार्टीशनिंग है, ये हमेशा 10 सेकेंड का होता है और लेता है। वन सेकेंड और ये पूरा हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं क्या आइडेंटिफाई हम जब करते हैं IC को तो क्या वो हमें वो इंफॉर्मेशन देता है जो जिसकी हमको जरूरत है।
यहाँ पर अब इंफॉर्मेशन क्या आ गई है, बूट पार्टीशन वन इज एनेबल्ड फॉर बूट, और हमारी डिस्क्रिप्शन जो हमने सेव करके रखी थी, देखो सेव इसलिए करना है, ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ये काम आता है आपको, ओरिजिनल फाइल को टैली करना है जो आपका बोर्ड बंद है उसमें से, जो ईएमएमसी आईसी की फाइल के साथ। अगर जो हम इसमें ये आईसी फिट करेंगे इस बोर्ड में, तो इसको चलना ही है, किसी भी हालत में चलना है। ओके कंफर्म। सो अभी हम इस चीज को बंद कर सकते हैं बिकॉज हमारी प्रोग्रामिंग हो चुकी है, और यहाँ पर देखो सब कुछ सेम है, 0x05 सिक्योर फीचर सपोर्ट जो है, ठीक है, इसका कितना है, हमारी जो पहले सेव की हुई फाइल के साथ मैच हो रहा है, 0x48 इसकी जो पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, वो भी सेम बता रहा है। ओके 0x48 बूट एक्नॉलेज इज सेंड ड्यूरिंग द बूट ऑपरेशन, ठीक है, अभी एक्नॉलेज बूट के लिए दिया हुआ है, और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि प्रोसेसर को बूट वन से ही बूटिंग स्टार्ट करनी चाहिए, बूट पार्टीशन वन से, ठीक है। पार्टीशन सपोर्ट क्या है, 0x07। ओके सो ये क्लियर हो गया अभी हमारे लिए कि इसकी जो डेटा है अब सही है, और प्रोग्राम हम जब ये कर लिया है तो ये टीवी को चालू होना ही चाहिए, ठीक है। तो अभी ठीक है, अब हम आईसी को फिट करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट पिन का मार्किंग यहाँ है, ये मार्किंग आईसी के ऊपर भी है और यहाँ पर भी है। आपको अगर जो ये नहीं समझ में आता है तो चौथा बॉल देखो आप, यहाँ पर फोर्थ बॉल, ओके, और आईसी में भी इसी जगह पे चौथा बॉल है, ओके, तो आपको वो देखना है और इस हिसाब से लगा देना है। और ट्रिकी है जब सोनी में आप आईसी फिट करते हैं, बिकॉज पूरी की पूरी लाइन नहीं होती, उसमें चार कोने होते हैं। ये आईसी अभी फिट हो चुकी है, सिर्फ अभी हमें मूवमेंट करके इसको पूरी तरह से सही रखनी है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं आईसी अपने आप मूव करके अपनी जगह ले लेती है, ठीक है, हमें सिर्फ अब हल्का सा, ठीक है, ट्विस्ट करना है। सो बोर्ड हमने फिट कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने डेटा एंड क्लॉक लाइन कनेक्ट कर रखी है, जो पैनल की ओरिजिनल पैनल थी इसमें टिकॉन चेंज किया हुआ है, मतलब पैनल ही चेंज है, टिकॉन भी चेंज है, तो ओरिजिनल पैनल में जो आईसी थी वो हमने यहाँ रखी हुई है, ठीक है। और चार वायर यहाँ कनेक्ट किए हुए हैं, इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं मेरी चैनल पर, ओके, किस तरह से मैंने इसकी जो डेटा लिए थे और इसमें आईसी में फिट करके कैसे वायरिंग की है, ओके। और अब हम चेक कर लेते हैं क्या हमारे सॉफ्टवेयर राइट करने के बाद, जिसमें सीएसडी फाइल का एरर था, डिवाइस पार्टीशन चेंज हो गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट आ चुकी है, ओके, और यहाँ पर टीवी शुरू हो गया है। हम आपको पिक्चर दिखा देते हैं, आप होम स्क्रीन का यूज करेंगे हम, ठीक है, यूट्यूब देख लेते हैं, यहाँ पर यूट्यूब ओपन हो रहा है, दैट मीन्स कंप्लीट है टीवी अब, और इसमें जो प्रॉब्लम थी वो हमने सक्सेसफुली रिपेयर की, नो इंडिकेटर की, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिस्प्ले आ चुकी है, और हम एक वीडियो प्ले करके बता देते हैं आपको। तो ये टीवी स्टार्ट हो चुका है, ओके।